क्या हाल है सबका। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिलीटेड सीन्स के बारे में। यार सबसे पहले तो बताना चाहता हूँ, बहुत समय के बाद ये वीडियो बननी है वॉइस ओवर, जिसमें मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैंने वॉइस ओवर वीडियो से ब्रेक ले रखा था। लेकिन फिर मैंने शॉर्ट्स बनाई थी बहुत सारी, जिसमें आपने देखा था, और आपने यार बहुत ज़्यादा ही मतलब यार सर हिला दिया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो यार उन सब के लिए आपका थैंक यू। एंड मुझे पता है ये शब्द यार थोड़ा कम सा लगता है बोलने में, लेकिन फिर भी यार दिल से यार शुक्रिया। इसी के साथ अपन यार 5K फैमिली हो चुके हैं, 5K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अपने चैनल पर। तुम समझ ही सकते हो यार, एकदम से यार इतनी ज्यादा रीच पहुंच जाना तो कैसा लगता है, ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बात कर लेते हैं डिलीटेड सीन्स के बारे में। जो डिलीटेड सीन्स होते हैं, ये वो सीन्स होते हैं जो कि हटा दिए जाते हैं एपिसोड से। लेकिन यार ये सीन्स ऐसे सीन्स होते हैं जिन्हें ना देखने वाले की संख्या बहुत ही कम होती है, और देखने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि तुम देख ही सकते हो, मैंने डिलीटेड सीन्स डाले थे और इतने ज़्यादा लोगों ने यार उसे देखा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जिस काम को मना करो वही काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों, आप सबने बहुत सारे डिलीटेड सीन्स देखे होंगे जो मैंने अपलोड करे थे, और आपको यूट्यूब पे भी इसलिए देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ सीन से कुछ लोग यार बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिलीट ना करते तो भी चल जाता है। जैसे कि एक सीन था जिसमें गलती से मिचको और मिस्सू की किस हो जाती है, और जिसे देख के जो पाको होते हैं उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। तो भाई ये सीन इन्होंने डिलीट कर दिया, जबकि जो टीवी पर जो नोबिता जो शिज़ुका के बाटम में घुस जाता था वो सीन इन्हें कट नहीं करा। क्या वो डिलीटेड सीन्स नहीं था? ऐसी सेम चीज़ यहाँ पे एक और सीन होता है जिसमें परमैन इन सब की बात चल रही होती है, और बात ही बात में यहाँ पे कुछ बात हो जाती है जिससे परमैन गुस्से में आके सुमेर की स्कर्ट पकड़ लेता है, लेकिन वो इतनी तेज़ होती है जिससे सुमेर की जो स्कर्ट होती है वो पूरी ऊपर चले जाती है। एक जो है बहुत ही नॉर्मल सी बात है, कई एनिमे में ऐसा दिखाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब दिखाते हैं, ये नॉर्मल ही बात है, लेकिन इसको कट करने का कोई रीज़न था नहीं। लेकिन हम यार कुछ नहीं कर सकते, एक बंदे की राय यार इसमें ली नहीं जा सकती। एंड यार ये जो डिलीटेड सीन्स है वो बहुत ही सोच समझ के काटे जाते हैं, और इसमें एक बंदे की राय नहीं ली जा सकती, तो यार हम इसमें कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ये बहस करने वाला टॉपिक नहीं है और इसमें बोलना बहुत बेकार है, मतलब टाइम वेस्टिंग है। नहीं, एक और सीन निकल के आता है जिसमें सुमीरे और उनकी बहस चल रही होती है, और इसी बीच पायन सुमीरे के पीछे देख रहा होता है, मतलब समझ गए हो ना राजा जी। भी डिलीट करा गया, लेकिन दूसरी तरफ यार हमें सुमीरे को स्विम सूट में भी दिखाया गया है और वैसे भी दिखाया गया है। तो यार कुछ लोग अब बोलेंगे कि भाई तू ऐसा ऐसा बोल रहा है, अब तू ऐसा कर रहा है, तो भाई बात जो सच है वो सच है। अगर तुम डिलीट कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो। अब डोरेमोन में भी तुम डिलीट कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो। जब नोबिता बाटम में जाता है वो वाला सीन भी डिलीट करना चाहिए, लेकिन वो लोग ये करते नहीं। लेकिन अब फिलहाल तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अब डोरेमोन देखता नहीं, मुझे बहुत टाइम हो गया डोरेमोन छोटे हुए। तो आप देखते हो तो आप बताना कि वो सीन आते हैं या नहीं। जैसे एक सीन और निकल के आता है जिसमें पाको जल्दबाजी में मिस्सू को हाथ पकड़ के खींच रही होती है और उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं। कमेंट में जरूर बताना, और अगर बाई चांस में से कोई डिलीटेड सीन्स रह गया हो तो यार इसके लिए सॉरी। लेकिन मैंने कोशिश करी थी, जितने भी डिलीटेड परमानेंट डिलीटेड सीन्स थे वो सारे डाल दिए हैं, लेकिन कुछ लोग बुरा भी मानने थे कि भाई क्यों डाल लो ये सभी, मतलब ये डिलीटेड सीन्स वगैरह ये सब क्यों डाल लो। भाई मैं एक बात बता दूं कि मैं एक क्रिएटर हूं, इसलिए मैंने इन्हें थोड़ा फनी टाइप में बनाया है, ना कि सीधे सीधे अपलोड करा है। मेरा मेन मकसद ये था कि वॉइस ओवर वीडियोस आएंगी जल्दी, मतलब आने वाली हैं, एंड मुझे बताना है यार, मुझे पता नहीं कि क्या बनाऊं मैं वॉइस ओवर में। मैंने सबको बता दिया है कि वॉइस ओवर वीडियो आएंगी, और मुझे कंटेंट बता देना आपको क्या चाहिए। अगली वीडियो जल्दी आएगी, बस थोड़ा वेट करो और देखते जाओ। आ मेरी जान।